सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फ़ोन के कॉलर आईडी को चेंज कर सकते हो। यानी गाइज, अगर कोई भी आपके पास कॉल करेगा, उसका जो फोटो है वो कॉलर स्क्रीन पे दिखेगा, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। गाइज, इसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना होगा, सिर्फ आपको एक सेटिंग करना होगा। नंबर को सेव करते टाइम पे आपको सामने वाले बंदे का फोटो सेट करना होगा, और गाइज जब वो सामने वाला बंदा आपके पास कॉल करेगा, उसका फोटो कॉलर स्क्रीन पे दिखेगा, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दूसरे वाले नंबर से मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, और यहाँ पे कॉल आने वाला है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कॉल आ चुका है, और यहाँ पे कॉलर स्क्रीन पे फोटो दिख रहा है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, इस तरह गाइज आपको नंबर को सेव करते टाइम पे फोटो को सेट करना होगा, और जब सामने वाला बंदा कॉल करेगा, उसका फोटो आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे जब हम कॉल को रिसीव कर लेते हैं, तब भी आप यहाँ पे बैकग्राउंड में देख सकते हो फोटो दिख रहा है, जो कि देखने में एक नया लुक दे रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इसको सेट करना है, क्या आपको सेटिंग करना है, इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करना है। ठीक है, वीडियो आज का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब गाइस, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप कॉलर स्क्रीन पे फोटो को सेट कर सकते हो। गाइस, इसके दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो नंबर सेव करते टाइम पे आप फोटो को ऐड कर सकते हो, फोटो को लगा सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपने नंबर को सेव कर रखा है ऑलरेडी, तो दोस्तों आप उसको एडिट करके फोटो को ऐड कर सकते हो। इस वीडियो में आपको इन दोनों तरीकों के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पे डायलर पे जाना है। डायलर में जाने के बाद आपको वो नंबर यहाँ पे डायल करना है जो नंबर आप सेव करना चाहते हो। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हम नंबर को डायल कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने नंबर को डायल कर दिया। ठीक है, नंबर को सेव करने से पहले आपको एक और काम करना होगा, आपको अपने फोन के गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद आपको उस फोटो को ओपन करना है जिसको आप कॉलर स्क्रीन पर सेट करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फोटो ओपन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें ये वाला फोटो सेट करना है। ठीक है, गाइस सेट करने से पहले आपको इसको क्रॉप करना होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे फोटो को जूम करना है, फुल स्क्रीन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने फोटो को फुल स्क्रीन कर लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरह से यहाँ पे हमने इसको जूम कर लिया है। अब आपको इसका स्क्रीन शॉट ले लेना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसका स्क्रीन शॉट ले लिया। ठीक है, अब आपको अपने फोटो को सेट करना है। अब हम नंबर को सेव करते हैं सबसे पहले, तो यहां पे हम इस नंबर को सेव कर लेते हैं। आपको यहां पे न्यू कॉन्टेक्ट पे क्लिक करना होगा। अब गाइज आपको यहां पे नाम डालना है, तो यहां पे हम नाम डाल देते हैं प्रिया। तो दोस्तों यहां पे हमने नाम डाल दिया। ठीक है, अब आपको यहां पे फोटो सेट करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना होगा। और गाइज आपको यहां पे तीन ऑप्शन मिलेंगे, टेक फोटो, सेलेक्ट फोटो, कैंसल। आपको यहां पे सेलेक्ट ए फोटो पे क्लिक करना है, और आपके फोन की जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। इसके बाद गाइज आपको यहां पे उस फोटो को सेलेक्ट करना है जिसको आपने क्रॉप किया था। ठीक है, यानी स्क्रीनशॉट जिसका आपने लिया था, उस फोटो को आपको यहां पे सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहां पे हमने फोटो को सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद आपको फोटो को फिर से क्रॉप करना है। अब गाइस आपको इस फोटो को क्रॉप करना है। ठीक है, क्योंकि गाइस आप पूरा फोटो को सेट नहीं कर सकते। अब इसके बाद आपको यहां पर डन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमारे कॉन्टेक्ट पे फोटो एड हो चुका है। इसके बाद आपको यहां पर सेव पे क्लिक करना है, और आपका जो नंबर है वो सेव हो जाएगा। गाइज आप यहां पे देख सकते हो हमारा जो नंबर है वो सेव हो चुका है, फोटो भी ऐड हो चुका है। ठीक है, अब हम अपने दूसरे नंबर से इस पे कॉल करते हैं। तो दोस्तों यहां पे हमने कॉल कर दिया है, कॉल आने वाला है। आप यहां पे देख सकते हो कॉलर स्क्रीन चेंज हो चुकी है, कॉलर स्क्रीन पे फोटो सेट हो चुका है। ठीक है, अगर गाइज आप फोटो को क्रॉप नहीं करोगे, तो दोस्तों जो फुल स्क्रीन पे ये फोटो आ रहा है, ये फोटो फुल स्क्रीन पे नहीं आएगा, सिर्फ आपको यहां पे थोड़ा सा दिखेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको फोटो को सेट करने से पहले इस तरह क्रॉप कर लेना है, और गाइज जब आप फोटो को क्रॉप करके सेट करोगे, तो आपको इस तरह फुल स्क्रीन में दिखेगा, जो कि देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, और गाइज जब आप कॉल को रिसीव करोगे, तो बैकग्राउंड में भी आपको ब्लर होकर दिखेगा, ये एक नया लुक देता है। ठीक है, अब गाइज चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप सेव नंबर पर फोटो को ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों आपको सेव नंबर को ओपन करना है। इसके बाद आपको यहां पे क्लिक करना है। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो ये जो नंबर है ये सेव है। इसके बाद आपको यहां पे टू डॉट पे क्लिक करना है, और इसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद गाइज आपको यहां पे प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है, और आपके फोन की जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी, और यहां से आप सेव नंबर पर फोटो को सेट कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह आप बहुत ही आसानी से कॉलर स्क्रीन को चेंज कर सकते हो, और गाइज जो भी आपके पास कॉल करेगा, उसका फोटो कॉलर स्क्रीन पर दिखेगा, जो कि देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव मजेदार लगता है। गाइज उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नए एप्लीकेशन से रिलेटेड, नए ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।